हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाने के वड़े, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम साबूदाना रात को ही भिगो कर रखा था, 7 आलू बॉईल किए हुए, 1 चम्मच नमक, मूंगफली का पाउडर, 7 हरी मिर्ची जो मैंने कट करके लिए है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सब में पहले हम आलू को इस तरह से मैश करेंगे। देखिए मैश हो गए हैं। अब हम इसके अंदर मूंगफली का पाउडर डाल देंगे, कट की हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से मिल चुका है। चलिए अब इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बना लेते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए हमने पूरे वड़े बना के रख दिए हैं। अब हम इसे तल लेंगे। चलिए अब कढ़ाई में तेल डालते हैं। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें एक एक करके वड़े डालेंगे। अब हम इसे गोल्डन होने तक तलेंगे। चलिए अब हम इसे पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए ये हो चुके हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम पूरे वड़े तल लेंगे। देखिए अब हमारे क्रिस्पी साबूदाने के वड़े तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको खोलकर बताती हूँ ये कैसे बने हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं। आपको मेरी सिंपल रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।